अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मोहम्मद नुमान भाई ने मुझे एक बताया। इंजन जब मैंने खोला था तो उसका आयल पम्प मैंने नहीं खोला था, तो ये इनका कमेंट्स मैंने रीड किया तो मैंने कहा चलो यार दोस्तों को आयल पम्प के बारे में भी बता दूँ। दोस्तों जब तक इसकी नीचे वाली जाली बिल्कुल ठीक होती है तो इसका आयल पम्प कभी भी खराब नहीं होता, याद रखें। ये बहुत अच्छा आयल पम्प है, जापानी आयल पम्प है, लेकिन मैं आपको इसका वर्क चेक करा देता हूँ। ये वर्क किस तरह करता है, ये एक साइड से आयल उठाता है, ये नीचे से, ये देखें मैं अभी आयल आपके डाल के दिखा रहा हूँ। ये देखें ये नीचे से आयल उठाएगा और जैसे ही इसकी ग्राली रोटेट करेगी ये दूसरी साइड पे आयल को लेके आ जाएगा। ये देखें ये अभी दूसरी साइड पे आयल आ चुका है, चेक कर ले। ये और भी मैं आपको आयल डाल के चेक करा देता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वलीदऑटो यूट्यूब तरफ से आपको जो भी वीडियो मिलती होगी अच्छी होगी और इन्फॉर्मेशन वाली होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक कर दिया करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें। मैं जैसे ही आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों ये देख लें, ये एक साइड से आयल उठाता है नीचे से, यह मैं आपको चेक करा देता हूँ इसकी गैलरी। माशाल्लाह ये आयल पम्प खोलने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन नुमान भाई ने मुझे कहा कि आप आयल पम्प खुलवा के चेक करें, तो मैं फिर इसके लिए आपको आयल पम्प खुलवाया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।